रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वबा ने जो है, कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर रखा है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो है वो माशी और हर एतबार से चूल्हे हिलकर रह गई हैं। इसमें जो है, मैं आज सिर्फ यूरोज़ोन के हवाले से और फिर स्पेन की इक्तसादी सूरत हाल के बारे में आपके सामने जो है वो अदाद व शुमार से बात करूंगा। तो यहाँ पर जान लीजिए कि यूरोज़ोन के अंदर मजमूई तौर पर जो जीडीपी के अंदर कमी आई है, जो पर कैपिटा आमदन होती है उसके अंदर जो कमी आई है वो 12% है और ये बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक मेंबर हैं, यूरोज़ोन जो है ये उन ममालिक के ऊपर है कि जो शेंगन के जो है वो मायदे के अंदर बंधे हुए हैं, और यूरोपीय यूनियन के जो अराकीन मुल्क हैं उसके अंदर भी जो इस वक्त जीडीपी की जो शरह है वो 11.9% है। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूरोज़ोन और यूरोपीय यूनियन के जो है वो जीडीपी के अंदर कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। 11.9% भी 12% ही बनती है और यूरोज़ोन की जो 12% है वो तो 12% है ही है। इसी तरह से स्पेन जो है वो यूरोज़ोन का सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है कि जहाँ पर जो है 18.5% जो है वो जीडीपी के अंदर कमी वाक़िया हुई है, और ये जो है ये शदीद तरीन माली बहरान का शिकार मुल्क जो है वो स्पेन है यूरोज़ोन के अंदर। और यहाँ पर जो है अंदाज़ा है कि ये रवां साल के अख्ताम पर जो ये 18.5% का फिगर है ये बढ़कर जो है ये 22.1% तक पहुँच जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी जो है वो शरह है जीडीपी के अंदर कमी की, और इसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि इस मुल्क के तमाम शोबे हैं वो मुतासर होकर रहेंगे। और 2008 में जैसा कि आपको मालूम है कि स्पेन के अंदर माली बहरान आया था, और उस माली बहरान के अभी असरात ख़त्म नहीं हुए थे कि कोरोना वायरस जो है उसने आकर जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। और रवां साल की पहली सहमाई में जो यहाँ पर जो सुकड़ाव आया है यहाँ की मईशत के अंदर, इक्तसादी सूरत हाल के अंदर, वो 5.2% है। और ये सिविल वार जो स्पेन के अंदर 1936 से लेकर 1939 तक जारी रही थी उसके बाद ये सबसे बड़ी पाकिस्तान से हमारे नौजवान बेजार क्यों? क्या पाकिस्तान में कैरियर बनाना मुश्किल है? क्या यूरोप आज भी हमारे ख्वाबों की जन्नत है? यूरोप दाखिले के लिए गैर कानूनी रास्ता बेहतर है या बदतर? यूरोप और दुनिया भर के इमिग्रेशन कवानीन आसान और सहल हैं या मुश्किल? प्यारे गैर में डॉलर्स जो है वो बारिश की तरह बरसते हैं या उसके लिए शदीद तरीन मुशक्कत करना पड़ती है? प्यारे गैर में जाते हुए गैर कानूनी रास्ते में मर जाने वालों का जिम्मेदार कौन? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए व्यूज ऑन न्यूज विद मिर्जा नदीम बेग यूट्यूब चैनल bbcupdate.tv पर। रावट है, और उस वक्त जो है जीडीपी की कमी जो है वो शरह जो थी वो 26.8% तक आ गई थी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है यानी कि ये समझ ले कि स्पेन को इस वक्त सिविल वार के बाद जो सबसे बड़े चैलेंज का इस वक्त सामना है वो इस जो है सूरत हाल के अंदर है जो कोरोना ने पैदा कर दी है। इसी तरह से यूरोज़ोन के ममालिक में फ्रांस की जीडीपी जो है वो स्पेन के बाद दूसरे नंबर पर, स्पेन में 18.5% थी और यहाँ की जो फ्रांस की कम हुई है वो 13.8% कम हुई है। यानी कि एक बहुत ही बड़ा मुल्क है स्पेन के इक्तसादी जो है एतबार से बहुत बड़ा मुल्क, और स्पेन के मुकाबले में बहुत बड़ी जो है माशी जो है वो ताकत है, लेकिन उसकी भी जो है जीडीपी की शरह जो है वो 13.8% कम हुई है। इसी तरह से इटली की जो पर कैपिटा आमदन है वो भी 12.4% जो है वो कमी की तरफ जो है वो गई है। जर्मनी जो फ्रांस के बाद जो है दूसरी बड़ी कुव्वत है यूरोप की, और यहाँ की जो है वो शरह भी जो है वो 10.1% जीडीपी की कम हुई है। तो जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा जो है सेटबैक है इस वक्त जो यहाँ यूरोज़ोन की मईशत है उसके ऊपर। और इसकी वजह से जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन के अंदर सबसे ज़्यादा जो शोबा मुतासर हुआ है वो 5.2% जो है जीडीपी जिसमें कम हुई है वो तामीराती शोबा है, कंस्ट्रक्शन का शोबा है, कि जिसमें बहुत से काम जो है वो रुक गए हैं और लोग जो है वो बेरोज़गार होकर घरों पर बैठ गए हैं। इसके बाद सियाहत का शोबा है, और सियाहत जो है वो स्पेन की इक्तसादी सूरत हाल को सहारा देने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, लेकिन इस वक्त जो है वो भी पूरे का पूरा ठप होकर रह गया है, और यहाँ पर भी जो है वो बहुत बड़ी शरह जो है वो कम हुई है।
इसी तरह से आप अंदाज़ा लगाएं कि स्पेन जो है वो 4.5 करोड़ की आबादी का शहर मुल्क है और इस मुल्क के अंदर जो है 10 लाख अफराद जो है वो बेरोज़गार हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 मिलियन लोग जो है जिनकी टोटल तादाद 10,62,800 बनती है, तो ये लोग जो है यहाँ पर बेरोज़गार होकर घरों के ऊपर बैठ गए और बेशुमार जो है वो माली इमदाद देकर बेनिफिट देकर उनके दुखों का मदावा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिर ये कब तक जो है ये ज़ख्मों के ऊपर फाये रखे जाएंगे? ये जो है ज़ख्म जब तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते और मुल्क की मईशत जो है वो संभलने की तरफ नहीं जाती। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों जो है कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद कुछ ठहराव आया था, लेकिन उसके बाद अब फिर दोबारा जो लहर पैदा हुई है इसने एक दफ़ा फिर स्पेन को जो है उसकी रौनकों को गहना दिया है। लोग जो है वो सड़कों बाज़ारों पर जो नज़र आना शुरू हुए थे वो जो है वो एक मरतबा फिर वो रौनकें मांद पड़ गई हैं और रात की ज़िंदगी जो बहुत रंगारंग ज़िंदगी होती है स्पेन के अंदर वो भी जो है वो गहना गई है। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी सूरत हाल है, इसके अंदर जो है हमें जो है वो बहुत ही यकजहती का जो है मुजाहरा करना होगा और स्पेन के लोगों के साथ मिलकर ख़ासतौर पर हमें इमिग्रेंट्स को जो है उनको जो है ये यकीन दिलाना होगा कि इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं और उस मुल्क की तरक्की और मईशत के पहिए को गर्दिश देने में हम उनके बराबर के शरीक हैं। यूरोप में मुकीम इमिग्रेंट्स के हकूक़ की बात हो, सियासी समाजी तकरीबात का अहतमाम हो, ख़वातीन को क्या करना चाहिए और बच्चों की तरबियत कैसे हो, पाकिस्तानी सफारतखाने और कौंसलेट में मामलात की बहस हो, तमाम पाकिस्तानी दियारे गैर में पाकिस्तान के सफीर कैसे बन सकते हैं, दियारे गैर में हमारे हकूक़ की जानकारी का तस्करा हो, इन सब मामलात पर ज़ोरदार आवाज़ की ज़रूरत है। दुनिया में आज़ादी इजहार राय हकीकत है या फरेब, मगर हम आपको मौका फराहम करते हैं कि आप आएँ और एक मुनफरद टॉक शो बोल बोल बार्सिलोना में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तैयार रखिए। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है कि जो मैंने आपके सामने यूरोजोन के हवाले से और स्पेन के हवाले से रखी है। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो इस वबा से भी अल्लाह तबारक व ताला पूरी दुनिया को निजात दे और स्पेन की जो है और इस समय पूरे जो है दुनिया की मईशत को बेहतर करे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, लेकिन एक गुजारिश के साथ कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आपका कमेंट करना जो है वो हमारी रहनुमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है और आपका सब्सक्राइब करना हमारे काम के साथ और हमारी मेहनत के साथ जो है वो इजहार यकजहती है। इसी के साथ मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।